इमामवाड़ा के उनखाना मैदान के पास एक युवक ने अपनी प्रेमिका के गले पर धारदार हथियार से वार कर हत्या का प्रयास किया। इसके बाद प्रेमिका को लहूलुहान छोड़कर फरार हो गया। यह वारदात मंगलवार को दोपहर लगभग 2 बजे की हुई है। आरोपी इमामवाड़ा निवासी निखिल दमके है, जबकि जख्मी युवती का मेडिकल अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनखाना निवासी युवती प्रेमिका एक अस्पताल में काम करती है। निखिल एक पान ठेले पर खर्रा घुटने का काम करता है। दोनों ने करीब 2 साल पहले एक धार्मिक स्थल पर शादी की थी। इसके बाद से मानेवाड़ा में किराए के मकान में रहती थी, लेकिन कुछ महीनों से निखिल कोई काम नहीं कर रहा था। इसके कारण प्रेमिका और निखिल में विवाद होने लगा। कुछ दिनों पहले प्रेमिका नाराज होकर उनखाना स्थित अपनी माँ के घर रहने चली गई। इसी से आहत होकर निखिल ने खुदकुशी का प्रयास भी किया था। मंगलवार को दोपहर 2 बजे निखिल ने अपनी प्रेमिका को उनखाना मैदान के पास मिलने के लिए बुलाया था। वो प्रेमिका को वापस घर चलने के लिए बोलने लगा, लेकिन प्रेमिका उसे पहले कामकाज करने की समझाइश देने लगी। इसके बाद ही उसके साथ घर लौटने को कहा। इस पर निखिल गुस्से में आकर प्रेमिका पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। स्थानीय नागरिक जख्मी प्रेमिका को उपचार के लिए मेडिकल लेकर पहुंचे। सूचना मिलने पर पुलिस भी मेडिकल और घटनास्थल पर पहुंच गई। जख्मी युवती की मां के अनुसार उनकी बेटी निखिल के सुधारने के बाद ही उसके साथ रहने जाने की बात कहती थी। इस बीच निखिल ने आज हमले को अंजाम दिया। इमामवाड़े के थानेदार मुकुंद सालुंकी के अनुसार आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।